अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू किंग बर्ड्स केयर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, मैं हूं अशफाक अहमद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉकटेल के ऊपर। अच्छा जी, कॉकटेल के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा मसला क्या आता है, बहुत ज़्यादा सवाल क्या आते हैं कि इनकी एज को हम कैसे पता लगाएं कि ये कॉकटेल जो है वो पट्टा है या फिर ब्रीडिंग के काबिल हो गया है। बहुत ज़्यादा बच्चा होता है तो पता लग जाता है, उसका ताज भी छोटा होता है और बाकी चीज़ें भी होती हैं, मगर पट्टे में और एडल्ट में किस तरह आप फ़र्क कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल बताऊँगा कि किस तरह आप फ़र्क कर सकते हैं, बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि मेल फीमेल का भी थोड़ा सा बताऊंगा। अच्छा, मेल फीमेल के ऊपर एक डिटेल वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, और आपको लगे ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, किसके काम आ सकती है, तो लाजमी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब दोस्तों एक चीज़ आपको पता है कि कॉकटेल के अंदर मेल सिंगिंग करता है, फीमेल सिंगिंग नहीं करती। बहुत से लोग इसी चीज़ से एज का भी अंदाज़ा लगाते हैं और जेंडर का भी अंदाज़ा लगा रहे होते हैं। अब मज़े की बात मैं आपको बताऊं, कॉकटेल की सिंगिंग करने की एक्चुअल एज जो है वो है 8 महीने। 8 महीने बाद वो सिंगिंग स्टार्ट करता है, मगर कुछ ऐसे भी बर्ड्स होते हैं, ऐसे भी मेल होते हैं जो कि 4 महीने में ही सिंगिंग स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप भी ऐसी कन्फ्यूजन में हैं तो फिर सबसे पहले अपने बर्ड्स का जेंडर कंफर्म कीजिए। अच्छा जी, जेंडर कंफर्म करने के लिए फीमेल के फैदर आप खोलेंगे तो अंदर के साइड के ऊपर आपको स्पॉट नज़र आएंगे, मेल के फैदर के अंदर स्पॉट नहीं होंगे। मेल फीमेल के ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ काफ़ी डिटेल के अंदर, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर अभी तक आपने नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब बात करते हैं इनके एज की। अब देखिए, जो बहुत छोटा हैंड फीट वाला बच्चा होता है वो आपको अलग पता लग जाएगा, और जो बहुत ज़्यादा बुढ़ा पेयर होगा वो भी आपको विजुअली अलग से पता लग जाएगा कि ये पेयर जो है वो बहुत ज़्यादा बुढ़ा हो गया है। अच्छा, मसला क्या आता है, अब यहाँ पर बात सुनने वाली है कि देखिए, कॉकटेल जब 1 साल अपना क्रॉस कर लेता है ना, तो उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करना कि उसकी एज क्या है, क्या ये अभी 5 साल का है या फिर ये अभी 2 साल का है या फिर ये अभी 8 साल का है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, नियरली टू इम्पॉसिबल होता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कॉकटेल पट्टा है या फिर अडल्ट हो चुका है। सबसे पहले आपने ऑब्जर्व करना है चोंच को। अब देखिए, यहाँ पर मज़े की बात यह है कि पट्टे की चोंच जो है वो बज़ाहिर दिखने के अंदर बड़ी नज़र आ रही होती है, जबकि जो अडल्ट पेयर है यानी कि अडल्ट पीस है, उसकी चोंच बज़ाहिर दिखने में छोटी नज़र आ रही होती है। उसकी वजह क्या है कि जो बड़ा हो जाता है, चोंच के इर्द गिर्द के जो फैदर हैं वो उसके बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी चोंच छोटी नज़र आ रही होती है। इसके बाद आप परों को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो पट्टा है उसके पर जो है वो शाइनी होंगे, और जो बड़ा अडल्ट ब्रीडर होगा उसके पर जो है वो आपको काफ़ी रफ नज़र आएंगे। अच्छा जी, अब जो पॉइंट आपने ऑब्जर्व करना है उससे आप दूर से देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पट्टा है या अडल्ट है। इनकी दुम से आपको पता लग जाएगा, जो पट्टे की दुम होगी वो उसकी जो बॉडी का साइज़ है तकरीबन उतनी ही होगी, जबकि अडल्ट पीस की जो दुम होगी वो उसके बॉडी के साइज़ से बड़ी होगी। अब एक बड़े मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ, ये धोखा भी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। होता क्या है कि अगर आप पट्टे को गौर से देखेंगे तो उसके सर के ऊपर थोड़ा सा गंजपन होगा, यानी कि बाल जो है वो उसके सर के ऊपर थोड़े से कम होंगे, और ब्रीडर फीमेल जो होती है उसके भी सर के ऊपर थोड़े से बाल कम होंगे, उसके ऊपर भी थोड़ा सा गंजपन आ जाता है अक्सर। अब यहाँ पर धोखा होता क्या है कि लोग जो है वो मेल के साथ पट्टा लगा के दे देते हैं और बोलते हैं कि ये आपका जो है वो पेयर है। जब बंदा लेके आता है वो देखता है कि एक पीस जो है वो सिंगिंग कर रहा है, दूसरा पीस सिंगिंग नहीं कर रहा, तो हो सकता है वो फीमेल हो, और वो इंतजार करता रहता है। काफी महीनों बाद जब वो बड़ा हो जाता है और सिंगिंग के काबिल हो जाता है तो उसे पता लगता है कि दोनों ही सिंगिंग करना स्टार्ट हो गए हैं और ये दोनों ही नर हैं, उनके साथ धोखा हो चुका है। तो इस चीज़ से भी आपने एहतियात रखनी है, और अगर पहले से ही आपके साथ स्कैम हो चुका है मेल मेल या फीमेल फीमेल का, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा जी, इसके बाद पॉइंट आता है कि आप इनकी आंखों से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो पट्टा होगा उसकी आंखें आपको बड़ी बड़ी और उभरी हुई बाहर की तरफ नज़र आएंगी, जबकि जो ब्रीडर होगा उसकी आंखें आपको छोटी नज़र आएंगी बनिस्बत पट्टे के। अगला पॉइंट है कि आप इनके सर के ताज से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो पट्टा होगा उसके सर का ताज बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होगा और साइज़ में छोटा होगा, जो बड़ा होगा अडल्ट होगा उसके सर का ताज जो है वो थोड़ा बड़ा होगा, साइज़ में आपको वाजे नज़र आ रहा होगा और थोड़ा सा लहर मारता हुआ होगा। इसके अलावा आप बॉडी साइज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, पट्टे का साइज़ ऑब्वियसली छोटा होगा और जो अडल्ट होगा उसका साइज़ जो है वो बनिस्बत पट्टे की काफ़ी बड़ा होगा।
अब यहाँ पर मैं आपको वाज़े फ़र्क दिखाता हूँ, देखिए आप गौर से। ये जो आप पीस देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट अडल्ट हो चुका है, और दूसरा जो आप पीस देख रहे हैं ये अभी पट्टा है। अच्छा जी, पट्टे का ताज देख लें आप, अडल्ट का ताज देख लें। जैसे मैंने आपको बताया उसका ताज बिल्कुल खड़ा है, अडल्ट का ताज जो है वो लहर मारता हुआ है। बॉडी साइज से भी आपको पता लग रहा होगा, दोनों के अंदर काफ़ी फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, पट्टा जो गंजा होता है वो भी अगर आप इनको उसके सर के ऊपर देखेंगे तो आपको गंजपन नज़र आ जाएगा। आँखों का फ़र्क भी आप वाज़े देख सकते हैं, दोनों की आँखों के अंदर फ़र्क जो है वो साइज का आपको पता लग रहा होगा। इसके अलावा आप इनके पंजों से भी अंदाजा लगा सकते हैं। अब वाइट और कॉमन के अंदर अगर आप देखें तो पट्टों के अंदर जो उनके पंजे होंगे वो थोड़ा सा पिंक टाइप होंगे उनका कलर, और बिल्कुल स्मूथ स्किन होगी पंजों की, कोई भी टेक्सचर आपको नजर नहीं आएगा। जबकि जो अडल्ट होगा, जो ब्रीडर होगा, उसके जब आप पंजे देखेंगे तो आपको टेक्सचर नजर आएगा, जैसे स्किन जो है वो सर्दियों के अंदर रुखी हो जाती है, सूख जाती है, चटक जाती है, ऐसी आपको उनके पंजों की स्किन नजर आएगी अडल्ट की। इसके अलावा जो ग्रे वगैरह कॉकटेल होते हैं उनके अंदर जब आप देखेंगे तो उनके पंजों के अंदर, पट्टों के पंजों के अंदर आपको धब्बे धब्बे से नज़र आएंगे, जैसे हमारे चोट लग जाती है और ब्लैक कलर का स्पॉट अक्सर पड़ जाता है, ऐसे आपको स्पॉट्स नज़र आएंगे। जबकि उनका जो अडल्ट होगा उसके पंजे जो है वो बिल्कुल एक ही कलर के होंगे, हमवार होंगे। इसके अलावा क्रीम के अंदर जो इनके चिक के ऊपर पैच होता है या गाल के ऊपर जो निशान होता है ऑरेंज, वो पट्टों के अंदर थोड़ा लाइट होता है और अडल्ट के अंदर जो है वो डार्क हो जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बड़े मज़े की बात बताता हूँ। एक और तरीका है जिससे आप पट्टों का और अडल्ट का पता लगा सकते हैं कि ये पट्टा है या अडल्ट है, मगर वो तरीका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत लोग उसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। अब आपने एक चीज़ नोट करी होगी, जब भी आप अपने कॉकटेल को दुकानदार के पास सेल आउट के लिए लेके जाते हैं, जब पट्टे लेके जा रहे हैं तो वो लाजमी पट्टों की जो है वो फेदर खोल के लाजमी चेक करता है। तो आपने नोट करी है कि वो क्या चेक करता है, क्यों? क्योंकि मेल फीमेल के हिसाब से तो पट्टे वो लेता नहीं है, और दूसरा पट्टों के अंदर तो मेल फीमेल का वैसे भी पता नहीं लगेगा, तो फिर ये चेक क्या करते हैं? तो दोस्तों, इनके फैदर से भी आप पता लगा सकते हैं, इनके कलियों का हिसाब होता है कि ये 8 कली का है या 10 कली का है, उससे भी इनकी एज का अंदाज़ा हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप कबूतरों के अंदर जो है वो उनकी कली से आप उनकी एज का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस एज का है, उसी तरह पट्टों के अंदर भी और अडल्ट के अंदर भी आपका डिफरेंस जो है वो कलियों से हो जाता है। मगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड इस वजह से है कि उसमें देखना पड़ता है कि नई कली कौन सी है या कच्ची कली कौन सी है, तो इस वजह से मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा। तो ये वो कुछ पॉइंट थे जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपका कॉकटेल पट्टा है या अडल्ट हो चुका है। अच्छा जी, कॉकटेल के ऊपर मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और डिटेल वीडियोस बना चुका हूँ, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज की वीडियो आपको पसंद आए और इन्फॉर्मेटिव लगी तो उसको शेयर ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है आपने कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई बड़ी मेहरबानी, आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मुख्तलिफ बर्ड्स के हवाले से मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एक और बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ख्याल रखिए। Take care.